हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेक्टल प्रोलैप्स की सर्जरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी कि प्रोलैप्स क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो रेक्टल प्रोलैप्स क्या है, यानी कि रेक्टम जो कि हमारे लैट्रिन वाला रास्ता है, ठीक है, इजी भाषा में समझे तो क्या है ये, तो लैट्रिन वाला रास्ता है जिससे आप डेली फ्रेश होते हैं। तो ये जो रेक्टम है उसके ऊपर क्या होता है, ठीक है, यानी रेक्टम एनस है, उसके ऊपर हमारे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो क्या होता है कि रेक्टम जो है एनस के ओपनिंग में आ जाए, ठीक है, एनस से हमारा फिकल मैटर पास हो रहा है, सबसे आउटर ओपनिंग है। तो ये जो रेक्टम है वो क्या होता है, हमारे एनस वाले रास्ते से बाहर आ जाता है। ऊपर कुछ भी कारण हो सकता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण रेक्टम जो है वो एनस वाले रास्ते में आ गया है। तो इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे। तो क्या है, तो सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स, यानी रेक्टल प्रोलैप्स का जो सर्जरी है, सर्जिकल रिपेयरमेंट है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेक्टोपैक्सी। तो इसमें क्या किया जाता है, तो रेक्टल जो है उसके पोजीशन को रिस्टोर किया जाता है, यानी वो अपने जगह से नीचे खसक गया है तो उसे फिर से उसके ओरिजिनल पोजीशन में रख दिया जाता है और उसे सूचर्स यानी टाके से सिक्योर कर दिया जाता है। इंसिडेंस देखें तो ये कोई कॉमन नहीं है, इट इज़ नॉट कॉमन, ये सब में नहीं होती है। जिस तरीके से पाइल्स बवासीर सबको अफेक्ट कर रहा है, उस तरीके से रेक्टल प्रोलैप्स नहीं कर रहा है, ये रेयर है, यानी लगभग 0.5% लोगों को ही ये प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है कि ज़्यादा जिसका उम्र हो गया है 50 से ज़्यादा या 50 साल, तो ओल्ड एज वालों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। लगभग जो है इसके सर्जरी के भी अप्रोचेज हैं, यानी पेट में चीरा लगा के एब्डोमिनल वे से, पेरिनियल वे से भी करते हैं, लैट्रिन वाले रास्ते के पास भी चीरा लगा के इंसिजन करते हैं, ठीक है। तो अगर एब्डोमिनल रेक्टोपैक्सी हुआ है, एब्डोमिन यानी पेट पे इंसिजन लगा के जो सर्जरी हुई है, तो उसमें 5% ही चांस है कि ये फिर से आपका प्रोलैप्स हो जाए, फिर से रेक्टम जो है वो एनस वाले रास्ते में आ जाए, बस 5% चांस है। लेकिन अगर पेरिनियल रेक्टोपैक्सी हुआ है, तो पेरिनियल में क्या होता है कि हर 4 में से एक लोग में ये क्या हो जा रहा है, फिर से प्रोलैप्स हो जा रहा है। तो पेरिनियल जो आपका ये रेक्टोपैक्सी है वो एब्डोमिनल रेक्टोपैक्सी से क्या सही है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। एब्डोमिनल रेक्टोपैक्सी इसलिए सही है क्योंकि जो भी आपका दिक्कत है उसे यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सप्लोर करके ठीक किया जाता है, ठीक है। और पेरिनियल रेक्टोपैक्सी में कहाँ आप एब्डोमेन तक पहुँच पाएंगे, नीचे का ही जो भी प्रोलैप्स है उसी को बस ऊपर करके सेट करेंगे। तो ये आपका क्या है, तो रेक्टल प्रोलैप्स आप समझ गए कि रेक्टम जो है एनस के रास्ते से बाहर खसक जाएगा, अपने रास्ते से नीचे आ जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, तो ओरिजिनल पोजीशन यानी जहाँ पर रेक्टम है वहीं पर उसे रख के, यानी उसे फिर से सिक्योर कर दिया जाता है टाके लगा के। फिर कि ये कोई कॉमन बीमारी नहीं है, ये कॉमन नहीं है, असामान्य है, ये लगभग 0.5% लोगों को ही ये प्रभावित कर रहा है। 50 से ज़्यादा अगर उम्र हो रहा है या फिर 50 हो रहा है तो उनको ये ज़्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन जो पाइल्स था, जो बवासीर था, वो सबको प्रभावित कर रहा था, सारे एज ग्रुप को, ठीक है। वो भी मोस्टली ओल्ड एज में ही होता है, 40-45 से ऊपर वाली उम्र में, लेकिन वो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको, किसी न किसी को वो घेरा रहता है बीमारी। लगभग 5% केसेज ही हैं एब्डोमिनल रेक्टोपैक्सी के जिसमें फिर से रिकरेंस हुआ है, फिर से ये बीमारी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 5% से भी कम चांसेज हैं। अब है कि 4 में से 1 लोग को फिर से रेक्टल प्रोलैप्स हो जा रहा है, किसमें, तो पेरिनियल रेक्टोपैक्सी में। तो कौन सा इसमें सही है, तो एब्डोमिनल रेक्टोपैक्सी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे अप्रोचेज, यानी किस किस रास्ते से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहला आपका है एब्डोमेन, दूसरा है पेरिनियल। एब्डोमेन में क्या होता है, ओपन होता है, यानी एक बड़ा सा चीरा लगाएंगे, उसमें पूरा खोलेंगे लेयर बाय लेयर, फिर आप देखेंगे क्या दिक्कत है, फिर बीमारी को ठीक करेंगे। एक होता है कि दूरबीन की मदद से लंबे लंबे से औजार डाले जाते हैं, उससे ऑपरेशन किया जाता है, यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, लैप्रोस्कोपिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रोबोटिक, रोबोट्स की मदद से, आजकल इतने रोबोट्स बने जा रहे हैं, तो रोबोटिक सर्जरी भी होने लगी।
नेक्स्ट है पेरिनियल अप्रोच, पेरिनियल रूट से भी सर्जरी की जा सकती है। नेक्स्ट है ओपन रेक्टोपैक्सी में क्या होगा, तो ज़्यादातर एब्डोमेन के थ्रू ही ओपन रेक्टोपैक्सी की जाती है। इसमें क्या होता है इस सर्जरी में ओपन रेक्टोपैक्सी में कि रेक्टल प्रोलैप्स को रिपेयर किया जाता है, आपके पेट पे इंसीजन लगा के, पेट पे कट लगा के और रेक्टल प्रोलैप्स को रिपेयर किया जाता है। ओपन रेक्टोपैक्सी में फ़ायदा क्या है कि एब्डोमिनल आपका जो है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, एब्डोमिन को एक्सप्लोर किया जा रहा है, खोला जा रहा है, तो इसमें एक्सप्लोरेशन काफ़ी अच्छा है कि पूरे एब्डोमिनल कैविटी को अच्छे से एग्जामिन कर लेंगे कि कहाँ पर डिफेक्ट है जिसके चलते बार बार रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा है मरीज को। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं प्री ऑपरेटिव केयर क्या है, यानी ऑपरेशन से पहले मरीज़ का देखभाल करना होता है, यानी मरीज़ को केयर प्रोवाइड करना होता है। तो अब खुद से कॉमन सेंस लगाइए कि अगर रेक्टल यानी कि हमारी जो बड़ी आँत है उससे जुड़ा कोई बीमारी है तो उसके ऑपरेशन के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो बड़ी आँत जो है वो साफ़ होना चाहिए, यानी कि आप पूरी तरीके से अच्छे से फ्रेश होने चाहिए। ठीक है, अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे, कॉन्स्टिपेशन हुआ है आपको, तो उस कंडीशन में एनिमा दिया जाता है, बवेल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वाइटल मॉनिटरिंग की जाती है, यानी मरीज का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेट, हार्ट रेट जो भी है, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसका शुगर भी मेंटेन होना चाहिए, यानी सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी तभी आप ऑपरेशन के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। नेक्स्ट है नील पर ओरल होना चाहिए, मरीज़ का आँत जो है, पेट जो है एकदम खाली होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए मरीज। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कोई भी ऑपरेशन होने से पहले मरीज को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है, तो इसीलिए ये कंसेंट लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस करते हैं, फ्लूड बैलेंस करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्री ऑप में करते हैं, ऑपरेशन से पहले करते हैं। अब जानते हैं कि सर्जरी के लिए एनेस्थीशिया कौन सा ज़रूरी है, तो जनरल एनेस्थीशिया, जिसमें मरीज को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पोजीशन, तो लिथोटमी पोजीशन अपनाया जाता है इस सर्जरी को करने के लिए। नेक्स्ट है मिड लाइन लेप्रोटमी इंसीजन लगाया जाता है, यानी कि मिड लाइन लेप्रोटमी इंसीजन में क्या होता है, तो हमारे पेट में इंसीजन लगाया जाता है। ठीक है, निजाइफोइड प्रोसेस से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक इसे लगाते हैं। अब डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इंसीजन को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट है आपका क्या प्रोसीडर है, क्या प्रक्रिया है ऑपरेशन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ एनेस्थीशिया देते हैं, मरीज को पूरी तरीके से बेहोश कर लिए, जनरल एनेस्थीशिया दे दिए। नेक्स्ट है कि लिथोटमी पोजीशन बनाते हैं, यानी मरीज का क्या करेंगे कि पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट है पेंटिंग एंड ड्रैपिंग, सेवलोन स्प्रिट बीटाडीन से अच्छे से सफाई कर देंगे, यानी एसेप्टिक टेक्निक पूरा फॉलो करना है। नेक्स्ट है इंसीजन लगाना है, तो कैसा इंसीजन, तो मिड लाइन लेप्रोटमी इंसीजन। नेक्स्ट है कि अब क्या करना है, कट लगा दिए आप तो सारे एब्डोमिनल लेयर्स को लेयर बाय लेयर ओपन करना है, ओपन कर दिए। उसके बाद क्या करना है कि एब्डोमिनल कैविटी को एक्सप्लोर करना है और यहाँ पे बेलफोर नामक रिट्रैक्टर, यानी एक रिट्रैक्टर है, उसे यहाँ पे सेट कर देना है। इतना कर दिए आप, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, बेलफोर रिट्रैक्टर, उसे सेट कर दिए। अब हमारा एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट में जो भी चीज़ें आते हैं, पेट, लीवर, जीबी, सब कुछ अच्छे से दिखेगा, ओमेंटम वगैरह, पेरिटोनियम, सब कुछ अच्छे से दिखेगा। अब क्या है आपको, अब खोजना है कि प्रोलैप्स्ड पार्ट यानी रेक्टम का जो पार्ट नीचे खसक गया है उसको पहचानना है। फिर क्या करना है कि उसको आसपास के टिश्यू यानी कि आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं जिससे वो चिपका हुआ है, जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसको अलग करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, अलग करने के बाद वो जो रेक्टम वाला रीजन है उसको उसके ओरिजिनल जगह पे यानी उसके असली घर में पहुँचा देना है। वहाँ तक पहुँचाने के बाद उसे टाँके यानी नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ऐसे सूचर का यूज करेंगे, ऐसे धागे का यूज करेंगे जो कि कभी ना घुले। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का इस्तेमाल करके यहाँ टाँका लगा दिया जाता है और जो हमारा प्रोलैप्स वाला पार्ट था उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, सिक्योर कर दिया जाता है। इसके बाद जो भी औजार हैं, गॉज पीस हैं, उसे काउंट कर लिया जाता है, गिनती कर ली जाती है कि कुछ पेट में छूट तो नहीं गया, गॉज पीस हो, स्पंज हो, कोई औजार हो, छूटा तो नहीं, इसीलिए अच्छे से गिनती कर लेते हैं। लास्ट में गिनती कर लिए, अब पेट को जो भी पार्ट है उसे अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लिए,
वॉश करने के बाद यहाँ पे हीमोस्टेसिस वगैरह चेक कर लेते हैं कि कहीं से खून तो नहीं निकल रहा, ठीक है। सब चेक करने के बाद अब यहाँ पे अच्छे से क्लोज़र करते हैं। क्लोज़र में वही वाइग्रल सूचर इस्तेमाल करते हैं, प्रोलिन इस्तेमाल करेंगे और आपका जो है नायलॉन यूज करते हैं। यही तीन सूचर मेनली यूज करते हैं। सिल्क नंबर वन का यूज करते हैं कटिंग में ड्रेन फिक्स करने के लिए, यही मेन सूचर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या था, एक और चीज़ आप जान लीजिए कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर से हम यहाँ पे फिक्स तो कर दिए, जो पार्ट जो है, जो प्रोलैप्स्ड पार्ट है, जो हिस्सा आपका नीचे आ गया था अपने जगह से, उसको आप ऊपर करके फिक्स तो कर दिए। अब चाहे तो वहाँ पे मैस भी लगा सकते हैं। 6.4 साइज का जो यहाँ मैस है वो भी मोस्टली लगाया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स रहे। अब आपका है कि ऑपरेशन तो हो गया, ठीक है, ऑपरेशन जो है अच्छे से संपन्न हो गया आपका। अब नेक्स्ट है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर, उसमें क्या करना है, तो आपको ऐसा दवाइयाँ देना है जिससे कि उनका जो है अच्छे से पेट साफ़ हो, तो उसे क्या कहते हैं, स्टूल सॉफ्टनर देना चाहिए। सॉफ्ट डाइट ले मरीज कुछ दिन, एक दो दिन, एक दिन तो नील पर ओरल ही रहे, ठीक है। अच्छे से मेडिकेशन ले, प्रॉपर दवाइयाँ ले, फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे, मरीज प्रॉपर रेस्ट ले, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है मरीज को, जेली अप्लाई करें उस रास्ते में, ठीक, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपका जो है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट साफ नहीं होगा सही से, फिसर्स हो सकते हैं यानी प्रेशर पड़ने पर वहाँ पर कट लग सकते हैं, टीयर हो सकता है पेरिएनल स्किन में। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, आँतों में इन्फेक्शन हो सकता है, फिर से प्रोलैप्स हो सकता है, फिर से रेक्टम वाला रीजन नीचे खसक सकता है अगर सही से ऑपरेशन ना हुआ हो तो, या फिर जो डिफेक्ट हो उसे अच्छे से ना ट्रीट किया गया हो तो। ब्लैडर डिसफंक्शन, ब्लैडर इंजरी हुई है या फिर ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो अच्छे से काम नहीं करेगा, पेशाब की थैली जिसे कह सकते हैं, खून निकल सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है अगर आप अच्छे से हीमोस्टेसिस का ध्यान नहीं रखे हैं तो। अब है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेट होगा, यानी कौन कौन से औजार का इस्तेमाल किया जाता है इस ऑपरेशन में। पहला है बेलफोर रिट्रैक्टर, यानी कि क्या है, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। प्रोक्टोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए, यानी पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आपका स्पंज होल्डर और फिर जो होता है एलिस आर्टरी, बैबकॉक और जो है बीपी हैंडल, ब्लेड, रिट्रैक्टर्स, बाउल, किडनी ट्रे, नीडल होल्डर और भी जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर रखे जाते हैं, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं। तो ये आपका सर्जरी है, आई होप ये सारी सर्जरी के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं फिर से इस वीडियो को रिपीट कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और सारे बच्चों को भी पढ़ने में हेल्प मिले। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।